देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में 29 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण अष्टमी मेले को लेकर मंदिर प्रशासन व पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों व लाइटों के साथ सजाया जा रहा है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में 29 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण अष्टमी मेले को लेकर माता रानी के दरबार को सजाया जा रहा है। पंजाब की समाज सेवी संस्थाएं बीते 14 वर्षों से लगातार हर नवरात्रि मेले में मंदिर को दुल्हन की तरह सजाने का काम करती आई हैं। इसी के चलते इस बार भी श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों के साथ सजाने का काम शुरू हो गया है। सजावट का कार्य कर रहे कारीगरों द्वारा मंदिर को बहुत ही भव्य रूप से सजाया जा रहा है, जिससे मंदिर की शोभा और भी बढ़ गई है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी माता रानी के दर्शन करने के साथ साथ मंदिर में फोटो और सेल्फी खिंचवाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। जगजननी माँ नैना देवी की अपार कृपा से श्रावण मास शुक्ल पक्ष के नवरात्र जो कि 10 दिन चलेंगे 29 जुलाई से विधिवत रूप से शुरू हो रहे हैं और यात्रियों के आगंतुकों के कल्याणार्थ समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर न्यास श्री नैना देवी के पूर्ण सहयोग से निरंतर यज्ञ जप तप पूजा अर्चना आदि तीर्थयात्रियों के कल्याणार्थ की जाएगी, ताकि प्रत्येक तीर्थयात्री को महामाई का आशीर्वाद प्राप्त हो। जगजननी माँ नैना देवी प्रत्येक श्रद्धालु की तीर्थ यात्रा भी सफल करे, मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ भगवती माँ नैना देवी के दरबार से आने वाले तीर्थयात्रियों को आगंतुकों को भगवती माँ नैना देवी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। जय तुम नैने, जय भगवती माँ नैना देवी। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।